नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू, विलेज फूड भंडार में आपका स्वागत है। आज मैं पालक पूरी बनाने जा रही हूँ। पालक पूरी में सारा सामग्री तैयार रखी हूँ। चलिए दोस्तों, आदि, लहसुन, हरी मिर्ची, जीरा, धनिया, अजवाइन, मंगरेला, पालक, घी, नमक, आटा। चलिए दोस्तों, पानी उबालते हैं। पानी उबालने के बाद पालक पानी में देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे। पानी गर्म हो रहा है, हम तब तक पीस लेते हैं। दोस्तों, पानी गर्म हो गया, अब इसको हम उतारते हैं और इसमें पालक का पत्ती डालते हैं। पाँच मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों, 5 मिनट हो गया, अब पालक इससे हम निकालते हैं पानी से। अब पालक को भी महीन से पीस लेते हैं। दोस्तों, पालक, अदरक, लहसुन, मिर्ची, धनिया पत्ती सब पीस लिए हैं और पेस्ट बना लिए हैं। अब आटा को सानते हैं। आटा में सारा सामग्री देते हैं, अजवाइन, मंगरेला, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक से डेढ़ चम्मच नमक, एक चम्मच देसी घी, सब मिला लेते हैं। हमने जो पेस्ट तैयार किए थे उसको अब डालते हैं। इसी से आटा को सानेंगे। दोस्तों, आटा गूंथ के तैयार कर लिया है हमने। इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं, ऊपर से चिकनावट हो जाएगा। दोस्तों, इसको 3 से 4 मिनट छोड़ना पड़ेगा, आटा फूलेगा। आटा फूल गई, अब
बेलते हैं, पहले लोही बना लेते हैं। चलिए दोस्तों, कढ़ाई में सरसों तेल डालते हैं। चलिए दोस्तों, पालक पूरी बनके तैयार है। देखते हैं कितना हरा हरा है, और इसको ठंडा होने के बाद भी कड़ा नहीं होता है और बहुत ही खस्ता के टाइप का लगता है खाने में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे खान पान से जुड़े वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।